तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने इस पेज को लाइक like करना है सब्सक्राइब करना है एंड क्लिक आइकन को दबाना है ठीक है और उसके बाद आप ज्वाइन करोगे हमारी पेड ग्रुप फॉर मास्टर जिसमें जो स्ट्रीम्स आ रहे हैं वो है जोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथ आपने जो भी ऑप्शन आपने जो भी ऑप्शन ऑप्ट opt करना है वो आप चूज कर सकते हो इनमें से और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी क्यूरी है तो आप ये तीन नंबर पर डायल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो थैंक यू यस नाउ वी विल स्टार्ट आवर नाउलिक रिलेटेड टू द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट वन इज द रूट डेवलपिंग फ्रॉम द प्लांट पार्ट्स अदर देन रेडिकल रूट्स डेवलपिंग फ्रॉम द प्लांट पार्ट अदर देन रेडिकल इसका क्या मतलब हुआ कि जो रूट्स डेवलप हो रही हैं रेडिकल के अलावा तो ऑप्शन हैं। ऑप्शन हैं। फर्स्ट वन इज द एपिफाइलस। सेकेंड वन इज द एपीकेलेक्स थर्ड वन इज द एडवेंटिशियस एंड फोर्थ वन इज द फाइब्रेस। क्लियर है अब आप मुझे बताओगे कि जो रूट डेवेल्प हो रही है प्लांट पार्ट से बट दे आर अदर देन रेडिकल वो रेडिकल नहीं है ये मैंने आपको पहले भी करवाया था कि जो रेडिकल से अदर साइड के रूट डेवलप होती है उनको हम क्या बोलते हैं दैट इज दियस दैट इज द एडवेंटेशियस रूट्स क्लियर है सो सेकेंड क्वेश्चन इज द दुम आर यूजफुल इन नोमैटो फोर्स क्या होती है दीज आर द ये नाम से क्लियर है आर आर द द द रेस्पिरेटरी so, नुमेतो नुमेतो इन इन प्लांट्स सो यूजफुल फर्स्ट ऑप्शन इज इज रेस्पिरेशन वन ट्रांसपिरेशन थर्ड वन इज द गुटेशन एंड फोर्थ वन इज द प्रोटीन सेंसिस सो तो नोमैटो फोर्स का जो वर्ड है दैट इज ऑलरेडी रिलेटेड टू द वर्ड रेस्पिरेशन तो ये किस में हेल्प करेंगी ये किसके कौन से प्लांट के हेल्प करती हैं ज्यादा नोमैटो फोर्स दीज आर हेल्प इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस ठीक है रिस्पायर करने में ये हेल्प करती हैं क्यों न्यूमेटोफोर्स में क्या होते हैं लेंटी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं ठीक है और न्यूमेटोफोर्स होते कहाँ पे है? हैं दीज आर प्रेजेंट इन द मार्शी एरियाज स्वैम्पी एरियाज में या मार्शी एरियाज में सलाइन एटी वाले एरिया में ये ज्यादातर होते हैं तो इनको वहां पे रिस्पायर करने के लिए रेस्पिरेशन नहीं होती तो ये अपने आप को रूट से मॉडिफाइड होते हैं और रिस्पायर करते हैं क्लियर है उसको हम बोलते हैं नोमैटोफोर्स क्लियर है तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा ए रेस्पिरेशन नेक्स्ट वन इज दर्ड क्वेश्चन इज रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द फर्स्ट ऑप्शन है रीजन ऑफ मैचुरेशन जोन ऑफ एलोंगेशन मरिस्टोमैटिक रीजन रीजन ऑफ मच्योर सेल्स क्लियर है सो so इसमें आपकी जो रूट हेयर्स हैं वो डेवलप हो रही हैं रीजन ऑफ Maturation से जोन ऑफ एलोंगेशन से मरिस्टोमैटिक रीजन से और द रीजन ऑफ द मैच्योर सेल्स तो इसके कौन से ऑप्शन आएगी जो रूट हेयर्स हैं देखो रूट हेयर के जो स्ट्रक्चर हैं उसके फोर पार्ट होते हैं वो दिए हुए हैं नीचे से लेकिन उसकी समिट्री आपको ढूंढनी है कि रूट हेयर्स जो हैं वो कौन सी साइड पे प्रेजेंट होते हैं तो बेटा इसका जो ऑप्शन आएगा दैट इज ए दैट वन इज द ए रीजन ऑफ द मैचूरेशन रीजन ऑफ द मैचुरेशन क्लियर है नेक्स्ट वन इज द रूट फॉर्म फ्रॉम प्रोलोंगेशन ऑफ रेडिकल रूटोंगेशन ऑफ द रेडिकल रेडिकल को और लंबा करती है प्रोलोंगेशन का मतलब और एक्सड करती है रेडिकल्स को उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट्स क्या बोलते हैं प्राइमरी रूट्स ठीक है प्राइमरी रूट को हम और क्या बोलते थे दैट इसका नेम क्या है टैप रूट ठीक है प्राइमरी के बाद

कौन सा इसका करेक्ट आंसर आएगा जो रेडिकल्स को अलोंगेट में हेल्प करती हैं दैट इज द प्राइमरी रूट क्लियर है चलो हम चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में दैट इज रूट इज मेंट फॉर ऑप्शन ए है फिक्सेशन ऑफ प्लांट एब्जॉर्बन ऑफ वाटर स्टोरेज ऑफ फूड ऑल ऑफ द अब ठीक है रूट के फंक्शंस मैंने पहले भी आपको करवाए हैं कि रूट के फंक्शंस कौन से होते हैं बहुत सारे फंक्शंस होते हैं रूट के फिक्सेशन भी करता है प्लांट को फिक्स करता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को उसको अपनी पोजिशन में फिक्स करके रखता है प्लांट जो है वो उसको अपनी पोजिशन में फिक्स करके रखता है कौन रूट सेकेंड वन इज द दब्जॉर्बन ऑफ वाटर अब प्लांट को कोई भी पानी चाहिए मिनरल्स चाहिए न्यूट्रंट चाहिए तो वो कहाँ से अराइज हो फ्रॉम द बेस ठीक है और बेस क्या है इसका रूट रूट क्या करेंगे सॉइल को न्यू वाटर को मिनरल्स को न्यूट्रिएंट्स को वो नीचे से लेके प्लांट के टॉप पार्ट तक पहुंचाएंगी ठीक है तो थर्ड फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड यस स्टोरेज ऑफ फूड रूट क्या करते हैं अपना प्राइमरी फंक्शन तो करते ही है ठीक है फर्स्ट अपना जो प्राइमरी फंक्शन है वो तो रूट्स करेंगे ही लेकिन इसके साथ साथ वो अपने आप को और भी मॉडिफाई करते हैं और हेल्प करते हैं फूड की स्टोरेज में हमने स्टोरेज ऑफ फूड्स भी पढ़े थे इसके मॉडिफिकेशन हमने कल करी थी जिसमें हमने अलग अलग तरह के जो मोडिफिकेशन हमने रीड करी थी ठीक है नेक्स्ट इज द ऑल ऑफ द अबब तो ये जो तीनों के तीन ऑप्शन हैं दैट इज सुबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द रूट ये सारा बिल्कुल क्लियर आंसर है सारे तो so इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा डी पार्ट ऑल ऑफ दी दबव डी पार्ट इसका जो है वो क्लियर है इसका सही ऑप्शन क्या है इसका ऑल ऑफ दी था, stilt था, और एक होती है, वो हमने पढ़ी थी ठीक है स्टिल्ड रूट कौन सी होती है इनमें से फर्स्ट वन ऑप्शन है जो इसका लोअर इंटरनोट्स ठीक है नोट्स इंटरनोट्स क्या होते हैं जैसे मैं आपको बता देती हूँ हमने इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी स्टेम की ठीक है स्टेम के बीच में ये थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर जो मार्जिन होता है ठीक है ये जो मार्जिन है डिस्टेंस के ऊपर ये जो लाइनें बीच में थोड़े थोड़े गैप में आपको नजर आ रही हैं इसको हम क्या बोलते हैं दीज आर द नोड्स इनको हम क्या बोलते हैं दीज आर नोड्स ये 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 भी है, ये भी है, ये भी नोड 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 है 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 बहुत सारी नोट होती है डिपेंड करता है स्टेम की कितनी लेंथ है उसके बीच में क्या होती है दोनों नोट के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं इंटर नोड क्या बोलते हैं इसको इंटर नोड तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि स्टिल्ट रूट स्टिल्ट रूट जो होती हैं वो ग्रो करती हैं कहाँ से लोअर इंटर नोड से अपर इंटर नोड से अपर नोड से या लोअर नोड से ठीक है देखो जैसे ये क्या है एक ट्री है क्या है ये ट्री है ठीक है जो इसमें आप देख लो अगर ट्री ले लो या आप ये शुगर केन ले लो कि ये शुगर केन है ठीक है ये क्या है ये शुगर केन का है शुगर केन के अंदर जो ये स्टिल्ट रूट्स हैं ये कहाँ से करती हैं ये सबसे लास्ट वाली नोड है सपोज ये क्या है ये सबसे लास्ट वाली नोड है तो इस रूट से या इस नोट से क्या है बहुत सारी जो है रूट्स जो हैं वो डेवलप होती हैं बहुत सारी जो रूट्स हैं वो डेवलप होती हैं तो ये कौन सी रूट होती हैं दीज आर द स्टिल्ट रूट्स विच ग्रो फ्रॉम दी लोअर नोड्स नॉट नोड क्योंकि ये नोड से डेवलप हो रही हैं देखो ये इंटरनोट से डेवलप नहीं हो रही ये कहाँ से डेवलप हो रही हैं नोड से क्लियर है तो इसका जो करेक्ट करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है इसका बी पार्ट दैट इज द लोअर नोट क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन यस अभी मैंने बताया कि हमने स्पोर्ट सिस्टम में तीन तरह की रूट्स पढ़ी थी बटरस रूट प्रॉप रूट एंड स्टिल्ड रूट ठीक है सेवन क्वेश्चन देखो बेटा प्रॉप रूट्स इन बनियन ट्री इज प्रॉप रूट्स जो बनियन ट्री है वो किसमें होती है पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी प्रॉप रूट्स होती क्या है प्रॉप रूट्स दीज आर द रूट्स विच अराइज फ्रॉम ब्रांचेस जो एक ब्रांच से अराइज करती हैं ठीक है जैसे मान लो ये मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ ये क्या एक ट्री है ठीक है दिस इज ट्री ये क्या एक ट्री है अब जो प्रॉप रूट्स होती हैं ये अराइज करती हैं ब्रांच ऑफ ट्री ब्रांचिज से ये अराइज करती हैं ठीक है इनकी जो ब्रांच होती है ना बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और वहां से ये अराइज करती हैं और इन रूट का जो स्टेम का जो बेस है वो क्या होता है इनकी गिफ्ट जो होती है वो बहुत चौड़ी होती है ये क्या होते हैं बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होते हैं ठीक है थीके? अब ये ब्रांचेस जो यहाँ से अराइज हो रही हैं ये फंक्शन भी क्या कर रही है ये क्या करेंगे पूरे प्लांट को सपोर्ट करेंगे यहां से जो है यहां से क्या निकलनी शुरू हो जाएगी रूटीज से क्या निकल निकलनी शुरू हो जाएगी ये प्रॉप रूट्स यहां से जो है वो अराइज होनी शुरू हो जाएंगी नीचे से और ये क्या करेंगी ये क्या करेंगे नीचे जो बेस होगा ट्री का उसको क्या है वो सपोर्ट करेंगी ठीक है प्रॉप रूट कौन से होती है बैम्बू में होती है बनियन ट्री में होती है मेज uh, में होती है ठीक है तो इसमें ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं कि कौन सा सूटेबल है फर्स्ट वन इज द रेडिश वन वन इज़ इज़ द द मेज, थर्ड मैंगो जिंजर, फोर्थ वन इज द ब्रायोफाइला ठीक है सो so इसमें से कौन सी ऑप्शन सूट कर रही है दैट इज द मेज मेज में कौन सी रूट होती है मक्की में दैट इज प्रॉप रूट्स ठीक है कौन सी सुटेबल है दैट इज अप्शन रूट में रूट द रूट कैप हमने रूट की स्ट्रक्चर पढ़ी थी जिसमें हमने चार रीजन पढ़े थे सबसे पहला था रूट टिप जिसको हम क्लिप्ट्रा बोलते हैं ठीक है जैसे ये देखो ये रीज हमने पढ़ा था दट इज द रूट टिप दैट इज द रूट ये क्या है ये रूट की टिप है और इस टिप को किसने प्रोटेक्टेड करा है अभी हमने कल ही किया था कि इस रूट को किसने प्रोटेक्ट करा है दैट इज द्लिप्ट्रा रूट इज प्रोटेक्टेड बाई अ क्लिप्ट्रा क्लिप्ट्रा का फंक्शन क्या होता है ये रूट की टिप को किसी भी तरह की इंजरी से प्रोटेक्ट करता है उसको किसी भी तरह की इंजरी नहीं होने देता तो इसकी ये कवरिंग है क्लिप्ट्रा ठीक है ये पहला रूट हमने पहला जो रीजन है वो हमने यही पढ़ा था दैट इज द रूट ई फिर उसके बाद आता है सेकेंड वन इज इजर रीजन ऑफ सेल फॉर्मेशन कौन सा आता है रीजन ऑफ सेल फॉर्मेशन रीजन ऑफ सेल फॉर्मेशन ठीक है थर्ड रीजन आता है दैट इज द रीजन ऑफ एलोंगेशन रीजन ऑफ लास्ट जो रीजन है वो कौन सा आता है इसमें रीजन ऑफ मैचुरेशन रीजन ऑफ मैचुरेशन क्लियर है तो देखो मैचुरेशन जो एरिया होता है रूट हेयर पहले भी आया है कि रूट हेयर कहां से डेवलप हो गए यहां से जो रूट हेयर्स है वो कहां से डेवलप हो रहे हैं वो कौन से हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन में ठीक है तो फ्यू अब क्वेश्चन क्या है फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ कहते कि रूट कैप से कुछ दूरी पे कुछ मिलीमीटर की दूरी पे क्या प्रेजेंट होता है उस रीजन को हम क्या बोलते हैं अब देखो ये रूट कैप है रूट कैप के थोड़ी रीजन पे अब क्या आएगा कौन सा रीजन आएगा फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप इज द कौन सा आएगा ये रीजन ऑफ सेल फॉर्मेशन आएगा रीजन ऑफ एलोंगेशन आएगा

कि वो हेल्प करता है कि उस हमने रीजन को बार बार डिवाइड करवाना है ठीक है जब भी बार टूटेगा वो रीजन उसमें क्या आएगा बार बार डिवाइड होता रहेगा ठीक है सो so, तो so आपने क्या करना है इसमें से आप सिलेक्ट करो कि कौन सा आंसर इसमें सुटेबल है कि कुछ मीटर्स रूट कैप सबसे पहले आ गया ठीक है ये रूट कैप है किप्ट्रा को हम क्या बोलते हैं बेटा रूट कैप क्या बोलते हैं रूट कैप ठीक है cap, अब क्या मिलीमीटर इसमें आएगा रूट कैप के ऊपर कौन सा रीजन इसमें आने वाला है बताओ बेटा इसमें कौन सा सूटेबल है दैट इज द फर्स्ट मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर देती हूँ कि चार रीजन हमने पढ़े थे रूट कैप सेल्फ फॉर्मेशन एलोंगेशन एंड मैचुरेशन तो इसमें कौन सा आएगा दैट इज द रीजन ऑफ एलोंगेशन क्या आएगा इसमें रीजन ऑफ एलोंगेशन सॉरी ये थोड़ा सा मैंने आपको गलत इसमें टिक करवाया इसमें इसमें जो सही आंसर आएगा दैट इज द दरिस्टोमैटिक एक्टिविटी कौन सा आएगा इसमें मरिस्टोमैटिक एक्टिविटी ठीक है तो रूट हेयर के ऊपर जो सेल्स हैं वो मरिस्टोमैटिक के सेल्स पड़े होते हैं जो डिवाइड करना जो है यहाँ से शुरू करते हैं जिनमें डिवीजन होती है वो कौन सेल से होती है दैट इज द मरिस्टोमैटिक एक्टिविटी ठीक है नेक्स्ट इज द यस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन पे हैं फाउंड इन द प्लांट्स ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज सच रूट्स आर सीन इन एरिया क्या होते हैं मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड पहले भी आया हुआ है कि नोमैटो दे आर हेल्प इन द रेस्पिरेशन ऑफ द प्लांट विच ग्रो इन द एरिया इन द सेलिनेटी रीजन इन द मार्शी एरियाज और इन द स्वैम्पी रीजन ठीक है कुछ भी रीजन इनमें से दलदल -दल वाला एरिया ठीक है जो दलदल वाला एरिया होता है उसमें क्या होता है कि जो प्लांट है वो रिस्पायर नहीं कर पाते क्यों नहीं कर पाते क्योंकि उस एरिया में जो पोर्स हैं वो एबसेंट होते हैं ठीक है पोर्स एबसेंट होएंगे तो ऑक्सीजन कैसे अंदर जाएगी और जब ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो वो गैश को एक्सचेंज कैसे करेंगी ठीक है तो so, वो कौन से हैं दैट इज द कौन कौन से प्लांट है इसमें से वो ऑप्शन दिए हुए हैं फर्स्ट वन इज द फाइकस सेकेंड वन इज द कोलोकेशिया थर्ड वन इज द राइजोफोरा एंड फोर्थ वन इज द एस्टोनिया तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी पार्ट दैट इज सी पार्ट राइजोफोरा इज द करेक्ट आंसर क्लियर है ये क्वेश्चन पे ये हर बार पेपर में ये रिपीट हुआ हुआ है कि नोमेटोफोर्स क्या होती हैं नोमैटो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपको ये इसकी एग्जाम्पल है राइजो फोरा क्लियर है स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन पर आ जाओ आप इसका रीजन ऑफ रूट्स फ्रॉम द बेस टू द रूट टिप्स कहते हैं जो रूट का रीजन होता है वहां से अगर हम स्टार्ट करें बेस से ठीक है बेस से लेके रूट टिप तक देखो पहले तो आपको स्ट्रक्चर मैंने अभी पीछे करवाई है कि ये इसकी रूट की स्ट्रक्चर है ये इसकी रूट की क्या है स्ट्रक्चर है क्लियर है अब ये पार्ट कौन सा हो गया नीचे दैट इज द टिप रीजन ये कौन सा पार्ट है दैट इज टिप रीजन ठीक है ये क्या हो गया इसका बेस ये क्या हो गया इसका

में एलोंगेशन सेल डिजन तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? सबसे पहले अगर हम नीचे से शुरू करें यहां पे क्या है है। रूट कैप नेक्स्ट नेक्स्ट वन वन इज़ इज़ के ऊपर कौन सा होता है मैचुरेशन फेज ठीक है, है? अब उन्होंने पूछा है यहां पे मैचुरेशन फेज है यहाँ पे एलोंगेशन फेज है यहाँ पे कौन सा फेज आ गया दैट इज द सेल डिविजन फेज कौन सा सेल डिविजन फेज अब बेस से स्टार्ट हो बे से तो सबसे पहला कौन सा आ रहा है मैचुरेशन ठीक है फर्स्ट ऑप्शन देखो इसमें से जो आ रहा है वो ए और बी में से आ रहा है क्योंकि क्यों सबसे पहले जो रीजन है मैचुरेशन जोन वो ए में भी विजिबल है और दो में भी तो पहला जोन कौन सा है मैचुरेशन जोन फिर उसके बाद आएगा एलोंगेशन अब बी ए में एलोंगेशन जोन नहीं है बी में क्या है एलोंगेशन जोन है ठीक है तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट लग रहा है बी थर्ड जो सबसे लास्ट में आता है एलोंगेशन के बाद वो कौन सा है सेल डिवीजन जोन तो राइट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर बी क्लियर है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट सीरीज में है पहले मैचुरेशन आएगा फिर एलोंगेशन जाएगा फिर क्या आएगा डिवीजन सेल डिवीजन जोन क्लियर है यस yes. बी करेक्ट है स्टूडेंट्स के जो कमेंट आ रहे हैं बिल्कुल सही जवाब उन्होंने दिया है कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवंथ रूट इज डिस्टिंग फ्रॉम द स्टेम यस वेरी इजी क्वेश्चन हैं ये बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपने जो आपको आने चाहिए और शायद आपने इनके जो स्टेप्स हैं वो सुने भी होंगे कि रूट की स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूट की स्ट्रक्चर में हम जो बेसिक हम बनाते हैं रेडिकल एंड प्लेम्यूल ठीक है ये जैसे ग्राउंड लेवल है यहाँ क्या नीचे रेडिकलराइज हो रहा है ऊपर क्या शुरू हो रहा है दैट इज अ स्टेम ऊपर क्या शुरू हो रही है स्टेम रेडिकल रूट्स बनाएगा प्रम्यूल क्या बनाएगा बनाएगा ठीक है उन्होंने बोला है कि रूट इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम स्टेम ये भी मैंने कल अच्छे से करवाया था आपको कि जो रूट है वो स्टेम से कैसे डिफर करती है क्या रीजन है कि रूट में जो है वो स्टेम में नहीं है या स्टेम में जो है वो रूट में नहीं है ठीक है फर्स्ट ऑप्शन इज द है थर्ड वन इज द एपसेंस ऑफ नोड्स एंड इंटर नोट्स ऑल ऑफ कल आपको बताया था कि जो रूट्स हैं रूट्स की क्या होती हैं रूट कैप होती है रूट्स की क्या होती हैं रूट हेयर्स होती हैं लेकिन इसमें से एक चीज है वो रूट की नहीं होती वो क्या है दैट इज द ऑफ़ नोड्स एंड इंटरनोड्स तो कौन सा आंसर इसका सही आएगा सी बेटा जो रूट्स होती हैं ठीक है इनमें कोई नोड नहीं होती इनमें कोई नोड नहीं होती मैंने इससे पहले क्वेश्चन आपको समझाया था कि स्टेम की क्या होती है नोड एंड इंटरनोड ये के अभी मैंने आपको डायग्राम बनवा के दिखाया था इसमें कि ये स्टेम के बीच में थोड़े थोड़े मार्जिन के ऊपर ये लाइंस लगी होती हैं जिसको हम बोलते हैं नोड्स ठीक है और दोनों नोड्स के बीच का स्पेस दैट इज अ इंटर नोड ये क्या है नोड है ये क्या है इंटर नोड है क्लियर है तो क्वेश्चन में वही उन्होंने बोला कि कौन सी चीज है रूट्स की जो डिस्टिंग करती है डिफर वेरी करती है स्टेम से वो क्या है एबसेंस ऑफ नोड्स एंड इंटर नोड्स ठीक नोड है तो देखते हैं इसमें आपने डी ऑप्शन नहीं बेटा ऑल ऑफ द नहीं आएगा इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी एब्सेंस ऑफ नोट एंड इंटरनोट्स क्लियर है ये सब आपको क्लियर हो गए रूट्स का कि जो नोड है वो एब्सेंट होती है और इंटरनोट भी एब्सेंट होती है स्टेम में ये प्रेजेंट होती है क्लियर है सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट इज yes बेटा एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूं कि अगर आपने कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है फिर ये फ्री ग्रुप है ये पेड ग्रुप नहीं है तो आप अपना नाम लिख के अपना सब्जेक्ट लिख के आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो इन दो नंबर के ऊपर तो आप इसमें क्या है इस ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे दैट इज़ फ्री ऑफ चार्ज यू आर वेलकम टू ज्वाइन एंड सी द डेमो क्लासेज ऑल्सो तो प्लीज़ कोई भी क्यूरी है आप इन दो नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हो अपने नेम के साथ और अपने सब्जेक्ट के साथ क्लियर है चलो हम नेक्स्ट करते हैं प्रोसीड क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या है दैट इज़ द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट कहते प्राइमरी रूट एंड इट ब्रांचेस यस प्राइमरी रूट को हम और क्या बोलते हैं वी आल्सो कॉल्ड अ टैप रूट प्राइमरी रूट को हम क्या बोलते हैं प्राइमरी रूट को हम क्या बोलते हैं टैप रूट क्या बोलते हैं हम इसको टैप रूट बेटा आपने कमेंट्स में लिखा हुआ है आ, पूजा सिंह डी शुड बी द करेक्ट आंसर डी करेक्ट आंसर उन्होंने बेटा आप क्वेश्चन समझ नहीं पाए हो कि जो स्टेम और रूट के बारे में पूछा है रूट में कौन सी चीजें नहीं होती हैं जो डिफर करती हैं स्टेम से ये पूछा उन्होंने कि जो रूट में चीजें हैं वो स्टेम से कैसे डिफर करती हैं लेट्स हम पीछे क्वेश्चन पे आते हैं एक बार यस रूट इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम दिन ऑल ऑफ अबव एंड ऑल नोड्स एंड इंटर नोट देखो अगर आप दो तरीके से दिखे हैं, तो रूट और stem है अगर हम स्टेम की बात करें तो उसमें क्या है नोट और इंटरनोड्स जो है वो एब्सेंट है ठीक है अगर हम रूट की बात करें तो रूट में ये सारी चीजें आती हैं ठीक है थीके? तो उन्होंने पूछा कि स्टेम से कैसे डिफर कर रही है रूट रूट में रूट कैप भी है रूट है, हमने वो लिखनी है जो डिफर कर रही है डिस्टिंग का मतलब है जो वेरी कर रही है ठीक है तो क्या वेरी कर रही है स्टेम से क्योंकि रूट्स में नोड्स और इंटरनोट नहीं होती अब आई समझ आपको कि रूट्स में रूट्स में नोड्स एंड इंटरनोट्स नहीं होती हैं इसलिए ये वेरी कर रही है स्टेम से क्लियर है नेक्स्ट हम चलते हैं ट्वेल्व क्वेश्चन पे ऊपर प्राइमरी रूट इट्स कार्ड वॉट कहते प्राइमरी रूट्स को हम क्या बोलते हैं और उसकी ब्रांचेस को क्या बोलते हैं मैंने पहले ही बता दिया ऑप्शन में पहले लिखा हुआ है टैप रूट सिस्टम बी इज आंसर दैट इज टैप रूट सिस्टम ठीक है टैप रूट जो होती है वो प्राइमरी रूट ही होती है प्राइमरी रूट से ही जो है वो सेकेंडरी रूट होती है सेकेंडरी रूट से ही आगे जो है वो टर्शरी रूट होती क्लियर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज़, मॉडिफिकेशन ऑफ़ रूट डज़ नॉट स्टोर फूड? यस, हमने कल बड़ा अच्छे से तो टॉपिक किया था कि हमने रूट्स की मॉडिफिकेशन पढ़ी थी कि रूट के मॉडिफिकेशन में कौन कौन सी चीजें होती हैं ठीक है हमने पढ़े थे सारे फॉर्म क्रॉनिकल भी पढ़ा था ठीक है बी पार्ट ये भी पढ़ा था हमने फॉर्म भी एक मॉडिफिकेशन है ट्यूब्रस भी मॉडिफिकेशन है फिर इसमें कौन सी नहीं है जो फूड को स्टोर नहीं करती वो कौन सी है बताओ बेटा ऑप्शन कौन सी है इसमें ए भी करती है क्योंकि ये भी मॉडिफिकेशन है नैपी फोर्म. नैपी फोर्म में कौन सी एग्जाम्पल आती थी दैट इज बीट रूट ठीक है क्रनिकल में कैरेट ट्यूब्रस में स्वीट पोटैटो तो इसका सही आंसर क्या आएगा स्टील रूट यस दिस इज द राइट आंसर स्टिल्ड रूट ठीक है ये ये स्टिल्ट रूट क्या होती हैं हैं सपोर्ट प्रोवाइड करती है. अभी हमने करा था मैंने आपको स्पेशल करवाया था कि जो जैसे शुगर केन है शुगर केन में क्या होता है कि जो स्टिल्ट रूट होती हैं वो लोअर नोट से राइज होती हैं यही पढ़ा था ना हमने कि जो लोअर नोट से ये राइज होती हैं तो स्टिल्ट रूट्स जो होती हैं दैट इज द करेक्ट आंसर बाकी सारी जो है नेपीफॉर्म कॉनिकल ट्यूब्रस ये सारी क्या है दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट इसमें जो स्टिल्ट रूट है वो किसको किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करती है स्पोर्ट में या प्रॉप रूट स्टिल्ट रूट बटरस रूट ये सारी किसकी मॉडिफिकेशन है स्पोर्ट की क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पॉकेट्स रूट जनरली नॉर्मली क्या होता है कि 99 नाइन परसेंट प्लांट में क्या होते हैं रूट हेयर्स होती हैं ठीक है हम पढ़ते हैं कि हर एक प्लांट्स की क्या होती है रूट हेयर्स होती हैं लेकिन उन्होंने पूछा है कि रूट पॉकेट्स ये रूट पॉकेट्स क्या है ये रूट्स का एक गुच्छा होता है ठीक है एक बंच होता है जिसको हम बोलते हैं रूट पॉकेट्स वैसे इसका काम कुछ नहीं होता दीज आर नॉन फंक्शनल रूट्स दीज आर नॉन फंक्शनल रूट्स या इसको हम बोल देते हैं दीज आर वेस्टिजियल रूट्स दीज आर वेस्टिजियल रूट्स दीज आर वेस्टिजियल रूट्स ठीक है वेस्टिजियल रूट्स हमारी बॉडी ये वेस्टिजियल रूट्स हैं वैसे हमारी बॉडी के अंदर भी वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन हमारी बॉडी में उनका कोई रोल नहीं है कोई फंक्शन नहीं है ठीक है जैसे हमारी आईज हैं हमारी आईज का जो पिन्ना है वो भी नॉन फंक्शनल है अपेंडिक्स वो भी क्या है नॉन फंक्शनल है अब रूट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन से ऑप्शन सही है फर्स्ट है ओपन्शिया बनियन ट्री कैप्रीस एंड इशोरनिया इसमें जो सही आंसर है वो है इशोरनिया इशोरनिया जो है इनमें क्या होती हैं रूट हेयर की जगह पे क्या होती हैं रूट पॉकेट्स क्लियर है ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर इज फाइब्रस फाइब्रस रूट रूट सिस्टम इज़ फाउंड इन यस कहते सिस्टम जो है वो किस में होता है फर्स्ट ऑप्शन है फाइब्रस रूट्स क्या होते हैं जो बुशी रूट्स होती हैं ठीक है के जो बंच में होती हैं बुशी रूट्स उनको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट्स कहते फाइब्रट रूट सिस्टम वो किस में होता है दैट इज रूट मोनोकोट रूट मोनोकोट प्लांट सॉरी मोनोकोट प्लांट रिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स। तो क्या आएगा इसमें फाइब्रस रूट्स किसमें होती हैं बेटा फाइब्रस रूट्स, यस दे आर प्रेजेंट इन द मोनोकोट प्लांट इसमें होते हैं ये मोनोकोट में होते हैं यस yes, पूजा ने सही आंसर बताया जो हमारे साथ लाइव है पूजा तुषार दैट इज द फाइब्रस रूट का सिस्टम जो है वो किसमें होता है दैट इज द मोनोकोट प्लांट में होता है ठीक है हैव यू अवेयर अबाउट द मोनोकोट एंड डाइकोट मोनोकोट क्या होते हैं वो monocot, वो मोनोकोट प्लांट होते हैं जिनमें सिर्फ एक सीड होता है ठीक है हमने कल स्ट्रक्चर पढ़ी थी डाइकोट की लेट्स मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या है डाइकोट जैसे मटर का दाना है मटर का दाना है ये बीच में क्या है इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस यही था ना तो जिनकी दो पार्टीशन होती हैं दो सीड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मोनोकोट अ सॉरी डाइकोट प्लांट उनको हम क्या बोलते हैं डाइकोट प्लांट जिनमें कोट का मतलब कॉटिलिडन यहाँ पे वर्ड आ रहा है ना डाइकोट मोनोकोट कोट का मतलब है सीड्स दैट इज़ द कोटिलिडन्स जैसे कि ये दो हमारे पास क्या है कोटिलिडन्स कोटिलिडन्स को हम क्या बोलते हैं सीड्स ठीक है तो मोनोकोट में एक सीड होता है डाईकोट में दो होते हैं ट्रीडोफाइट कौन से होते हैं ये अभी हमने पढ़ा नहीं है ये वाला टॉपिक अभी ट्रीडोफाइट हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट सॉरी ट्रीडोफाइट जो होते हैं ये भी प्लांट है फ्लावर बीरी ब्रायोफाइट जो होते हैं दीज आर द एम्फीबियंस ऑफ दी प्लांट किंगडम ठीक है बहुत बड़ा इनका किंगडम होता है ब्रायोफाइट्स का और ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये होते हैं नेट सीड सीड का मतलब कि जो सीड हमें विजिबल है इनके कोई फ्लावर नहीं होता है कोई फ्रूट नहीं लगता सिर्फ क्या होता है एक सीड होता है जो हमें दिखता है दैट इज द ब्रायोफाइट्स ठीक है और एक एंजियोस्पर्म होते हैं एक होता है एंजियोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स को हम बोल देते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स क्या बोलते हैं इसको हम फ्लावरिंग प्लांट सो फाइबरस रूट वो सिस्टम है जो कौन से प्लांट में पाया जाता है वो होता है मोनोकोट प्लांट के अंदर क्लियर है राइट आंसर मोनोकोड प्लांट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर है टर्नीप इज वॉट कहते जो एडिबल पार्ट क्या होता है जो हम खा सकते हैं ठीक है ठीके? जिसको हम खा सकते हैं वो होता है एडिबल सो एडिबल पार्ट जो है वो टर्नीप का कौन सा है टर्नीप का एडिबल पार्ट को हम क्या बोलते हैं दैट इज अ मोडिफाइड एडवेंटेशियस रूट मोडिफाइड टैप रूट मोडिफाइड बेस ऑफ स्टेम या अंडरग्राउंड स्टेम हमने जब मोडिफिकेशन पढ़ी थी याद करो जिसमें हमने चार तरह की मॉडिफिकेशन पढ़ी थी पहली पढ़ी थी हमने कॉनिकल सेकेंड वन थी फ्यूजी फॉर्म थर्ड वन इज द नेपी फॉर्म फोर्थ वन इज द ट्यूब्रस ये सारी पढ़ी थी अब जो टर्निप है ये कौन सी मॉडिफिकेशन में आ रहा है ये टर्निप कौन सी मॉडिफिकेशन में आ रहा है दैट इज द कौन सी मॉडिफिकेशन में है? बताओ बेटा टर्निप जो एडिबल पार्ट है दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द एडवास रूट जो टर्निप है वो किस में आ रहा है फ्यूजी फॉर्म में सॉरी फ्यूजी फॉर्म में नहीं आ रहा ये आ रहा है नेपी फॉर्म के अंदर ठीक है टर्निप किस में आ रहा है ये म के अंदर तो नेपिफॉर्म के अंदर ये जो आ रहा है तो नेपम की तो एक मॉडिफिकेशन है तो ये किसकी मॉडिफिकेशन है एडवेंटेशियस रूट्स की तो एडवेंटेशियस रूट्स कौन से होते हैं द रूट्स विच डेवलप अदर देन द रेडिकल ठीक है जो रूट्स डेवलप होते हैं रेडिकल से अलग साइड से जो रेडिकल से तो रूट अराइज होता है लेकिन ये रूट्स जो है वो रेडिकल से नहीं निकलती हैं ये प्लांट के किसी भी पार्ट से ये अराइज हो सकती हैं सिर्फ रेडिकल को छोड़कर ठीक है तो ये कौन सा आ गया इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है दैट इज द ए ऑप्शन मॉडिफाइड रूट क्लियर है बेटा दैट इज अ मॉडिफाइड एडवांटेजियस रूट सही लिखा है बेटा आपने दैट इज अ पार्ट मॉडिफाइड एडवेंटेशियस रूट इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट इज अ सेवेंटीन क्वेश्चन पे आते हैं हम क्वेश्चन क्या जोन ये दोबारा से फिर रूट हेयर का रूट हेयर कौन से जोन में होती हैं ये क्वेश्चन आई थिंक ये रिपीट भी हुआ है जो रूट हेयर होती हैं दैट अराइज फ्रॉम द सेल मैचुरेशन सेल अलोंगेशन सेल डिवीजन मैचुरेशन सेल्स ठीक तो, तो, है root, root hairs है क्वेश्चन जो जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन सेल अलोंगेशन सेल डिवीजन एंड मैच्योर सेल्स ठीक है जो रूट रूट हेयर्स हैं वो कौन से cells में आते हैं रीजन ऑफ सेल मैच्योरेशन वेरी इजी आंसर ठीक है ये तो आपको पता हो गया होगा अब सारी रूट की स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करी है तो रूट हेयर कौन से जोन से राइज हो रहे थे जब सेल्स क्या हो जाते हैं मच्योर हो जाते हैं तो वहां से जो रूट से है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है एंड दे आर ब्राउन इन कलर क्लियर है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम एटीन क्वेश्चन है क्रॉनिकल फ्लैशी रूट अक्कर इन यस क्रॉनिकल कौन शेप जो फ्लैशी रूट होती हैं वो किसके अंदर होती हैं स्वीट पोटैटो के अंदर डालिया, अस्पेरेगस या कैरेट कॉनिकल फ्लैशी रूट सबसे पहली मॉडिफिकेशन जो हमने पढ़ी थी वो कौन सी थी कॉनिकल कौन सी शेप पढ़ी थी हमने कॉनिकल शेप और कॉनिकल टर्म से क्लियर है कि कॉनिकल फ्लैशी रूट्स जो होती हैं। वो कौन सी में होती हैं? दैट इज अ स्वीट पोटैटो डालिया अस्पेरेगस एंड कैरेट कौन सी होती है ऑप्शन इज द डी इज अ करेक्ट ऑप्शन दैट इज कैरेट क्लियर है बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन दैट इज द रूट कैप टेक्स पार्ट इन वॉट रूट कैप जो है यस yes, फिर मैं स्ट्रक्चर एक बार छोटी सी ड्रॉ कर देती हूँ सिर्फ रूट पार्ट की ये रूट का टिप रीजन है जिस, here, प्रेजेंट रूट कैप यहाँ पे एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं और रूट है, कैप है? कहते हैं फॉर्मेशन में फर्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल ऑफ वाटर एंड मिनरल्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द मेरिस्टम एंड द स्टोरेज ऑफ फूड यस बताओ मेरे को इसका क्या आंसर आना चाहिए इनमें से प्रोटेक्शन फ्राम द मरिस्टम स्टोरेज ऑफ फूड ऑब्जॉर्बशन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल तो रूट कैप जो रूट की कवरिंग है मैंने पहले बताया था कि रूट की कवरिंग में एक कैप होता है जो प्रोटेक्ट करता है रूट को इंजरी से किसी भी तरह की इंजरी से इसको प्रोटेक्ट करेगा वो कौन सा है रूट कैप तो वो इंजरी कर से प्रोटेक्ट करा तो क्या आ जाएगा मतलब प्रोटेक्शन दे रहा है वो मरिस्टम को यस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या था कि न्यू सेल्स बनते हैं ये तो नए सेल्स बनते हैं जब सेल्स सेल्सेट डिवाइड करेगा फिर अलॉन्गेट होएगा है ना वाटर एंड मिनरल को तो रूट हेयर ऑब्जॉर्व करते हैं फूड को स्टोरेज ये भी मॉडिफिकेशन की फॉर्म है और सही आंसर इसका क्या आने वाला है दैट इज द प्रोटेक्शन फ्रॉम द मेरिस्टम क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे हम आते हैं यस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नोमैटो अकर्स इन द प्लांट्स ऑफ यस नोमैटो फोर्स देखो बेटा कितने क्वेश्चन आए हुए हैं किसी न किसी फॉर्म के अंदर ये क्वेश्चन नंबर जो ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर है ये फिर बहुत ईजी है इसका क्वेश्चन है नोमैटो uh, फोर्स बत, आपको बताने की जरूरत नहीं है मैंने पहले बता दिया था कि नोमेटोफोर्स क्या होते हैं एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं प्लांट के और ये कौन से एरिया में होती हैं कौन से एरिया में होते हैं जहाँ पे पानी ज्यादा होता है यहाँ पे सैलिनिटी सैलाइन वाली एरिया में दलदल वाली जगह भी होता है ड्राई सैंड में सूखी सैंड में होता है या ये सारा के सारे ऑप्शन सही है क्या इसका आंसर आएगा नोमेटोफोर्स दे आर प्रेजेंट इन द सलाइन स्वैम्प दैट आर प्रेजेंट इन द सलाइन स्वैम्प मार्शी एरियाज में होते हैं दलदल वाले एरिया में ये नोमेटोफोर्स होते हैं जहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं लाइक like जैसे ये ग्राउंड लेवल है ठीक है यहाँ पे क्या बहुत अमाउंट है वाटर की एक दलदला सा एरिया ठीक है अब जो रूट्स हैं, जैसे ये रूट्स यहाँ से डेवलप हो रही है ठीक है इनको ऑक्सीजन की कमी है दे लैक द ऑक्सीजन तो वो क्या करेंगी? ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं कि हमने सांस लेनी है अब हम कहाँ जाएं? तो ये अपने आप को जो है ग्राउंड लेवल से ऊपर प्रोसीड कर जाती हैं और एक्सपायर करती हैं इनके सेल के ऊपर जैसे इनके सेल्स के रूट्स के ऊपर एक सेल्स होते हैं छोटे छोटे होल्स आपको दिखते हैं कभी आप गूगल पे देखना इसकी पिक्स यहाँ पे एक ना होल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं दीज आर द लेंटी सेल्स क्या बोलते हैं हम इसको लेंटी सेल्स लेंटी सेल्स का काम क्या है कि इन्होंने गैस्ट्रिय को क्या करना है एक्सचेंज करना है क्योंकि नीचे इनको ऑक्सीजन ही मिल रही तो ये ऊपर आके अपनी ऑक्सीजन लेते हैं तो किससे लेते हैं ये लेंटी सेल से ठीक है पहले अपने आप को मॉडिफाई करके बाहर आएंगे फिर वहां से रेस्पायर करेंगे डेवलप हो जाते हैं इनके ऊपर जिनको हम बोलते हैं लेंटी सेल्स तो इसका सही आंसर है दैट इज इज बी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं 21 स्वीट पोटैटो अ मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट फर्स्ट वन इज द लीफ सेकंड वन इज द प्राइमरी रूट थर्ड वन इज द एडवेंटिशियस रूट बी पार्ट क्या है इसका

ठीक है सही जवाब दिया बेटा आपने ये सही ऑप्शन है दैट इज द सी पार्ट क्लियर है नेक्स्ट इज द ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन नोडुलेटेड रूट इन ऑप्शन है ए ऑप्शन है वीट बी ऑप्शन है पी प्लांट सी वन इज मस्टर्ड थर्ड फोर्थ वन इज अ राइस सो नोडुलेटेड रूट्स यस नोडुलेटेड रूट्स क्या होती हैं देखो ये नोडुलेटेड रूट्स वो होती हैं यहाँ पे ना जैसे इसकी एग्जाम्पल पहले आप देख लो कि रूट्स के ऊपर क्या है एक छोटे छोटे यहाँ पे ना नोड्यूल्स बने होते हैं बहुत ज्यादा ठीक है ये मान लो ये रूट ये रूट पोर्शन है रूट के ऊपर छोटी छोटी जगह पे यहाँ पे नोड्यूल्स बने होते हैं स्वेलिंग सी होती है स्वेलिंग कह लो या एक छोटी छोटी आउट ग्रोथ सी निकली होती है तो इसको हम बोलते हैं नोडूलेटेड नूड्यूल्स क्योंकि ये क्या होते हैं नड्यूल्स इनको हम क्या बोलते हैं नड्यूल्स नड्यूल्स का काम क्या होता है ये हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन को किसको हेल्प करते हैं ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं जो एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है है में ये उसको फिक्स करते हैं रूट्स के अंदर ठीक तो इसको हम बोलते हैं नोडुलेटेड रेड्यू नोडुलेटेड रूट्स क्लियर है तो ये कौन सी रूट्स की इसमें एग्जाम्पल आएगी वीट में नहीं होती है नो no. पी में यस yes, बी जो आंसर है इसका ठीक है ये पी प्लांट पी प्लांट जो मटर का दाना है वो क्या होता है नोड्यूल्स की फॉर्म में होती है उनकी जो रूट्स होती है ना वो सेम ऐसी होती है नीचे नीचे जो है हल्की हल्की स्वेलिंग्स होती हैं सारी रूट्स के ऊपर ठीक है तो मस्टर्ड भी नहीं है राइस भी नहीं है तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा दैट इज प्लांट तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि नोडुलेटेड रूट्स अकर इन द दिच प्लांट कौन से प्लांट में जो नोड्यूल्स हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं वो कौन से प्लांट में होती हैं ये होती हैं पी प्लांट के अंदर ठीक है पी प्लांट में होएगी ग्राम में होएगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री नोमैटो फोर्स नोमैटो फोर्स कौन से होते हैं बेटा नोमैटो फोर्स ये बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन नोमैटो फोर्स अगेन दीज आर द रेस्पिरेटरी रूट्स रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं नोमैटो फोर्स ये पोजेस करती हैं कौन कौन सी चीज को प्रोसेस कर रही है ये फर्स्ट वन इज द स्टोमेटा सेकंड वन इज द वाटर पोर थर्ड वन इज द लेंटी सेल्स फोर्थ वन इज द रूट हेयर्स यस इसका कौन सा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर टोमेटा नहीं है इसका वाटर पोर भी नहीं है सी इज द करेक्ट आंसर दैट इज द लेंटी सेल्स मैंने आपको बता अभी मैंने पीछे बताया आपको कि ये देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे देखो कि जो लेंटी सेल्स प्रेजेंट होती हैं ये क्यों यहाँ पे राइज होती हैं लेंटी सेल्स क्योंकि जिन जिस एरिया में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती रूट्स को तो वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं और पोर्स बना देते हैं छोटे छोटे और उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं लेंटी सेल्स लेंटी सेल्स क्या करेंगी ये गैशेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं रिस्पायर करने में ठीक है बेटा नेक्स्ट वन तो इसका सही आंसर क्या आ गया ट्वेंटी थ्री का लेंटी सेल नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इन मीराबिल्स जलापा ठीक है मीराबिलस प्लांट का नाम है जिसको हम फोर ओ क्लॉक प्लांट बोलते हैं ये आपको पता होएगा दैट इज अ फोर ओ क्लॉक प्लांट ठीक है मीराबिलस जलापा को फोर ओ क्लॉक प्लांट बोलते हैं तो मीराबिलस जो है वो किस रूट की मॉडिफिकेशन है द रूट्स आर के जो रूट्स होते हैं वो ट्यूबरस होते हैं कॉनिकल होते हैं एपिफाइटिक होते हैं कि नोड्यूल्स होते हैं ये भी क्लियर है आपको पहले मैंने करवाया था बेटा कि जो मीरा बिलस होते हैं वो किसके एग्जाम्पल में आ जाती है ट्यूबरस ट्यूबरस रूट्स में और कौन सी एग्जाम्पल आती है ट्यूबरस रूट्स के अंदर और कौन सी एग्जाम्पल आएगी ठीक है ये जैसे ट्यूबरस रूट्स जो होती हैं इनकी जो है ऐसी होती हैं रूट्स इरेगुलर शेप इनकी कोई शेप नहीं होती इन रूट्स की कोई शेप नहीं होती कोई डेफिनेट शेप नहीं होती तो जिन रूट की डेफिनेट शेप नहीं होती उसको हम क्या बोल देते हैं ट्यूबरस रूट ठीक है ट्यूब जैसी आउटग्रोथ भी प्रेजेंट है लेकिन इसकी कोई शेप भी नहीं है ठीक है इसको हम बोलते हैं ट्यूबरस रूट्स तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट ट्वेंटी फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं नोमेटोफोर्स आर यूजफुल इन नोमैटो किसमें किस में हेल्प करती हैं रेस्पिरेशन में ट्रांसपीरेशन में गुटेशन में कि फोटोसेंसिस में ये तो अब आप बताओगे मेरे को कि नोमैटो किसमें किस में हेल्प करती हैं ये हम पढ़ चुके हैं कि नोमैटो का क्या काम है रेस्पिरेशन का है ट्रांसपीरेशन का है गुटेशन क्या है या फोटोसेंसिस का है तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए क्लियर है तो नोमैटो फोर दे आर यूजफुल इन रेसपी रेशन क्लियर है सो so, ये आपके सारे एम सी क्यूज जो हैं वो आज कंप्लीट हो गए हैं आई होप आपको समझ आ गई होगी इसकी एक्सप्लेनेशन सो so, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ कि जो मैंने आपको नंबर अभी स्लाइड्स पे शो करी हैं तो अगर आपको कोई भी क्यूरी है रिलेटेड फीस से फीस के रिगार्डिंग है कोई भी आप हमें व्हाट्सअप करके उससे क्लियरिफिकेशन ले सकते हो दो नंबर आपको मैसेज किया है फर्स्ट टू नंबर पे आप कॉल कर सकती हो बाकी हम जो है एमसी वो नेक्स्ट सेशन पे करेंगे ओके गुड बाय टेक केयर थैंक यू